वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स लवर। दोस्तों मैं आज आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ, और इस वीडियो में आपको अपने एक नया पेयर दिखाऊंगा जो बजरी का पेयर मैंने लिया है। और दोस्तों वो सब चीज़ें आपको दिखाने से पहले मेरी सबसे गुजारिश है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये मेरा पेयर वही है जो मैंने तकरीबन आज से 5 मंथ पीछे चले हैं, तो मैंने सेल किया था अपने दोस्त को। तो जब ये पट्टे थे दोस्तों, उसने अब उसको पाला, जब वो बड़ा होगा तब वो समझ रहे कि ब्रीड नहीं कर रहा। अब जब उनका टाइम आया ब्रीड करने का तो उसने ला के बेचने आ रहा था, तो मैंने उससे अपने घर के पट्टे खरीद लिए। तो उसने तो वैसे तो सारे बेचे थे, एक ही पेयर बचा था, तो मैं उससे वो लेकर आ गया हूँ। और माशाल्लाह से बिल्कुल अडल्ट पेयर है और बिल्कुल सेट है, रेडी टू ब्रीड। इसकी फीमेल ही मेरे घर की पट्टी है और जो मेल है रेम्बो में, जो आपको दोस्तों कॉलोनी यहाँ पे सामने बनी हुई होती थी पहले, उसमें जो पेयर रेम्बो के बच्चे निकले थे वो मैंने सेल किए थे, वही हैं। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। और दोस्तों मेरे को शायद लग रहा है कि कॉकटेल की फ़ीमेल ने दे दी है, क्योंकि वो कल से अंदर है, अभी देख लेते हैं। चलो अगर नहीं दिए तो इंशाल्लाह दे देगी, लेकिन मैं बाकी इनका दाना पानी में डालते हैं और मैं आपको अंदर से आकर पेयर दिखाता हूँ। और बाकी के पेयर भी दोस्तों मेरे माशाल्लाह से मटकियाँ सेलेक्ट कर ली हैं एक एक, भी आप देख रहे होंगे। और उसमें से एक कॉकटेल का पेयर मेरा सेल भी कर दिया है, एक दाना जो हैंड टेम था दोस्तों। तो मैं आपको जाकर सबसे पहले दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा ये पेयर है जिसमें मैंने बॉक्स भी लगाया हुआ है, अभी तो मैंने इसके अंदर बुरादा डाला हुआ है और थोड़ी सी नेस्टिंग डाली थी। हम देख लेते हैं कि नेस्टिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि थोड़ा सा ये ऊपर है मुझे पता नहीं है। दोस्तों अभी तक तो उन्होंने करी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने लगाए हैं इनको, एक हफ्ता ही हुआ है। अभी इसमें दूसरी नेस्टिंग में डालूंगा और अभी इनको ब्रीडिंग फार्मूला भी देना है। बाकी ये नेस्टिंग वगैरह तो मैंने देखी थोड़ी सी डाल दी थी, बाकी इसमें नीचे वाले में देखते हैं। नीचे वाले को पेयर ले रहा हूँ। दोस्तों इसके अंदर मैंने बुरा डाला था कॉकटेल का, मैंने कहा कॉकटेल के बुरा दो सेट हो जाएंगे, फिर ये कहाँ से सेट हो जाएंगे। दोस्तों उसके बाद ये पेयर मेरा ये बिल्कुल रेडी हो गया, अब इसमें बॉक्स लगाना है सिर्फ। इसके बाद दोस्तों मेरा एक ये पेयर है जिसमें दोस्तों अभी थोड़ा सा ये थोड़ा सा उम्र में छोटा है इन लोग के मुकाबले में। दोस्तों मेरा ये नीचे वाले पिंजरे खाली है, इसमें एक लोटिनो पसनाडा का पेयर आएगा, बाकी कॉकटेल का पेयर है। इनमें भी दोस्तों मैंने बुरा डाल लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। बुरा वगैरह डाल लिया था मैंने इनको, अभी इंशाल्लाह ये भी दे देंगे ले लेते हैं। और दोस्तों देखते हैं इसके अंडा दिया ही नहीं दिया। दोस्तों उसने अभी तक अंडा दिया नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है ये दे देगी, क्योंकि ये कल से ही अंदर बैठी हुई है, ये अंडा दे देगी इंशाल्लाह। दोस्तों इसकी फ़ीमेल मुझे चेंज करनी है, क्योंकि ये मेल थोड़ा सा छोटा है, फीमेल थोड़ी सी बुढ़ी हो गई है। उसके बाद दोस्तों ये डफ का पेयर है मेरा, ये तो आपने देखा ही होगा, जिसने नहीं देखा उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। दोस्तों इनके आपको बता दूँ, जब से मैं लाया हूँ उनके वही दाना पड़ा है, दाना बहुत कम खाते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा सा उठाते हैं कम। और नेस्टिंग भी इन्होंने गिरा दी दोस्तों, अभी ये खुद ही करेंगे, मैं इनको डालूंगा नेस्टिंग। अब चलते हैं दोस्तों फाइनली कॉलोनी के अंदर। दोस्तों मैं कॉलोनी के अंदर आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ पेयर मेरा, जिन्होंने दोस्तों माशाल्लाह से मटकी भी सिलेक्ट कर ली है। और ये मेरा कॉकटेल का हैंड टेम चिक्स, दोस्तों अभी थोड़ा सा ये गंदा गंदा सा हो रहा है, अभी दोबारा प्लकिंग कर रहे हैं, सब नए पर निकालेंगे फिर इंशाल्लाह खूबसूरत हो जाएंगे ये। और दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ पेयर मेरा, वो देखें सामने बैठा हुआ है येलो कलर की फ़ीमेल के साथ, और जिसका फेस भी येलो कलर का है। दोस्तों ये मेरे घर का ही पट्टा था, इसको मुझे बेचना नहीं था, मैंने किसी वजह से ये बेच दिया था, और माशाल्लाह से देखें दोबारा मेरे पास ही आ गया।
अभी अगर यहाँ पर आए तो मैं आपको सही चीज़ करके दिखाऊँ। ये देखें दोस्तों, ये रहा माशाल्लाह से, देखें दोस्तों इसकी फीमेल ने मटकी भी सिलेक्ट कर ली येलो कलर की, वो पूरा पेयर बैठा हुआ दोस्तों। दोस्तों उसने वो वाली फीमेल मटकी सिलेक्ट करी है और इसका जो मेल है ब्लू कलर का ये बैठा हुआ सामने, इसने ये वाली मटकी है और जो सामने एक पेयर है मेरा वो वाला, उसने ये वाली मटकी फीमेल सिलेक्ट की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर सबको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।